टाइम पास कर सकता है, फैमिली वाले अच्छा दिन बिता सकते हैं। डॉगी को बुला रही है उसको खिलाने के लिए, बेचारे इतनी ऊंचाई पे बैठे रहते हैं कुछ खाने के लिए। आजा 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 गरीब, प्रोटीन बार दूंगी। 17,982 फीट। सोना गेट बंद कर लो, बढ़िया सा पिक्चर लूंगा एक मस्त वाला। 11 साल लग गए, 13 साल तुम्हें। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा आपको बताइए कि ओपी बाबा टेंपल हमारा कंप्लीट हो चुका है, सियाचिन बेस कैंप कंप्लीट हो चुका है, साथ के साथ हमारा वॉर मेमोरियल कंप्लीट हो चुका है, और हमने सेल्फी पॉइंट पर भी बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी वो हमने ले ली हैं। अभी हमारा टारगेट है कि हम आगे की तरफ वापसी जाते हैं, नुब्रा वैली में विजिट करेंगे, देखते हैं वहाँ कहाँ जाया जा सकता है। साथ में जो गलवान वॉर मेमोरियल है उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि कहाँ तक जाया जा सकता है। बस आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ में जो आप मोटर 5 एक्सपेडिशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप अपनी 4x2 व्हीकल के साथ में हमारे साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है। पूरा रास्ता अपना है, खाली पड़ा हुआ है, जहाँ मन करेगा चलेंगे। फिलहाल तो सोनी ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी है, वो चलाएगी गाड़ी। आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, कह रही थी। To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. मेरे पास भी मौका मिल गया साइड में बैठने का, तो सोने को दे दिया गाड़ी के, भैया तुम चलो हम तो बैठते हैं। खुद ही कह रही थी मैंने, चलो भाई बैठ गई ड्राइविंग सीट पे, तो अब गाड़ी आप ही चलोगे, हम तो नहीं चलाएंगे भाई, साफ सी बात है। वैसे चीजें अच्छी है, सारे के सारे रास्ते बढ़िया, माउंटेन्स बढ़िया, रास्ते थोड़े से अब कुछ जगहों पे तो गंदे हैं इस रूट पे, लेकिन भाई वो जो कल वाला था वो तो हॉरिबल था। पर कल जो विजिट पहले आपने वीडियो देखी उसमें आपने देखा होगा सियाचिन बेस कैंप, सीरियसली बहुत अच्छा था भाई, ओपी बाबा का टेंपल बहुत ही बढ़िया। सामने के माउंटेन्स देखो यार कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ का माहौल ही अलग है यार, बिल्कुल माहौल ही अलग है। आप जा रहे हो कहीं पे भी, हर जगह के अपने माहौल होते हैं, लेकिन लेह लद्दाख का अपना अलग ही मतलब रुतबा है। आप इस तरफ देख रहे हो सी छोटा सा, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक माउंटेन है, पूरा कितना बड़ा लग रहा है, ह्यूज है वो। स्टार्टिंग कहाँ से है एंड कहाँ पे आपको नजर ही नहीं आएगा, स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, स्टार्टिंग है वहाँ से और एंड एक ही पहाड़ का कहाँ तक है, खुद ही देखो। लेकिन सामने वाला व्यू जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया आज की तारीख में, ऊपर बर्फ वगैरह के सारे निशान पड़े हुए हैं। सोनी थक गई थोड़ा सा आज, तो हमने खाया भी क्या है, बस सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद में सैंडविच खाए थे, तो उसके बाद में तो अब हमने सिर्फ अपने जो घर से लेके आया था ना मीठी पूरी अचार के साथ वही खाई है, पूरा दिन हो गया बस उसे पानी पी के और उसी में काम चला रहे हैं।
लेकिन ठीक है, हम लोग सियाचिन बेस कैंप कल होके आ गए थे, मतलब आज होके आ गए थे। आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी, थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए दो पार्ट में बनाई थी। और न्यूज़ ये है कि गलवान जाना था पर गलवान का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई, तो वहाँ पे आर्मी ने बंद कर दिया। दे सेड कि अभी तो एक महीना कम से कम नहीं खुलेगा, पूरा पहाड़ ने पूरा रोड ख़त्म कर दिया और वहाँ तो जेसीबी वगैरह लगी हुई है, तो आप भी नहीं जा सकते भाई। तो पूरा प्लान जो था गलवान का वो तो हो गया चौपट। लेकिन बस इतना है कि अब यहाँ से जाएंगे खरदुंगला पास होते हुए ले, और आज का नाइट होल्ट ले रहेगा, और देखते हैं मार्केट में अगर विजिट किया तो आपको दिखाएंगे कि नाइट में माखम मार्केट कैसा होता है। कितनी सही लग रही है ना बुद्ध की मूर्ति, बहुत सही लग रही है। ये पूरा पार्क बना है, अगर हम देखें तो ये यहाँ से लेके पूरा लंबा पार्क है, और हम तो बाहर खड़े हैं रेलिंग के क्योंकि यहाँ से ही हम दिखा पाएंगे, क्योंकि इस तरफ का गेट जो है वो बंद किया हुआ है। लेकिन कितना सुंदर लग रहा है, आप अपने उसे देखो, प्रॉपर बना हुआ है पूरा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमें तो चलना है भाई आगे, तो बढ़ते हैं आगे क्योंकि हमारा भी जो वक्त है वो बीत रहा है। अभी 3 घंटे 14 मिनट दिखा रहा है और किलोमीटर कितना दिखा रहा है भाई, ये तो दिखता भी नहीं है इसमें, तो मैं खुद ही बता देता हूँ 116 किलोमीटर और टोटल 3 घंटे 14 मिनट का रास्ता। चलो जी, पर ऊपर के बादल कैसे लग रहे हैं सुंदर से। अभी ले बचा है भाई 69 किलोमीटर से 1 घंटा 56 मिनट्स दिखा रहा है, तो यानी कि पहुँचेंगे करीबन 7:30 बजे। थक गए यार गाड़ी चला चला के, ऐसा मन कर रहा है गाड़ी रोको और सो जाओ, कितना चला है कोई। फिलहाल खरदुंगला पास आने वाला है, ज़्यादा देर का टाइम है नहीं, मैक्सिमम 10-15 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। ये भी एक पास है और हाइट वाला पास है, काफ़ी पॉपुलर पास है खरदुंगला। हाँ देखिए लिखा हुआ है खरदुंगला नॉर्थ 15 किलोमीटर। चलिए इसको भी क्लियर करेंगे। अल्टीट्यूड 15,300 फीट। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे बढ़िया, अच्छा वो लिखा भी हुआ वैसे तो वहाँ पे खरदुंग जियो रेस्टोरेंट समथिंग करके, लेकिन वो बंद है फिलहाल, आई डोंट नो क्यों बंद है। लेकिन सबसे अच्छा क्या लगा मुझे, लगी यहाँ पर रिवर। कौन सी यार, ये वाली आप देखोगे ना, ये वाली रिवर आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए पता, इतने ऊपर से आ रही है और छन छन करती है, पड़ी प्लेन से रास्ते से नीचे उतरती जा रही है। उसके बाद में यहाँ से होते हुए देखो, ऐसी जगहों पे तो लोग बाग वीडियोस बनाते हैं, कितनी प्यारी लग रही है सीरियसली भाई। ये कुछ जगहें बहुत अलग हैं सीरियसली। लोग ज्वाइन कर लो बटरफ्लाई एक्सपीडिशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उससे क्या होगा कि अपनी फैमिली के साथ भी कभी ट्रैवल करना चाहते हो, एक्सपीडिशन ज्वाइन कर सकते हो, साथ में ट्रैवल करेंगे मिलके, और इस तरह से टाइम पास कर सकते हैं, फैमिली वाले अच्छा दिन बिता सकते हैं। डॉगी को बुला रही है उसको खिलाने के लिए, बेचारे इतनी ऊंचाई पे बैठे रहते हैं कुछ खाने के लिए। आ जा अरे प्रोटीन बार दूंगी, आ जा प्रोटीन बार खिला रही है उसको। कमाल है, चली जा जा उधर ही जा, बेचारे भूखे रहते हैं। डर रहा है वो, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उसका, भूखे भी तो होते हैं यार ये, यहाँ अभी पड़े हुए हैं, इनको मिलता क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं मिलता। सोनी खिला रही प्रोटीन बार, इंसान तो खा नहीं रहा, डॉगी तो खा ही लेगा। हाँ क्या, इंसान तो कोई खा नहीं रहा है, डॉगी तो खा ही लेगा। खा लिया, जा पास से जा, खिला क्या, पास से जा। डरा हुआ है वो, इसको मार मूर दिया होगा। हाँ कुछ तो हुआ है, चलो आओ। यहाँ पड़ी हुई है बर्फे, मुझे लग रहा है सुनी यहाँ का रास्ता मिलेगा तुम्हें ऐसा ही है नहीं, यहाँ चादर से बिछी हुई है, यहाँ माहौल भी ठंडा है, वैसे खिड़की खोली मैंने, बढ़िया ठंडा फील हो रहा है। चुग लेते हैं दाना पानी, चुग लेते हैं भाई, ऐसे ही जीवन है। कितनी मोटी, हाँ कटिंग कर रखी है इनकी,
खरदुंगला पास रह गया यहाँ से सिर्फ 3.5 किलोमीटर और भाई साहब बहुत ही गहरी खाई है लेफ्ट में, बहुत ही खाई है। आप देख भी सकते हो कि कितनी गहरी खाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ठंडा यार, मैंने खिड़की जरा सी खोली, इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड सीरियसली, अप्रॉक्सीमेटली जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ शायद -4-5 होगा। कागजों में ढूंढोगे तो मैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया है फिलहाल। 17,982 फीट। सोना गेट बंद कर लो, बढ़िया सा पिक्चर लूंगा एक मस्त वाला और यही लगेगी थंबनेल पे। कितना खूबसूरत है यार और कितने ज़्यादा ठंडा है, इट्स टू कोल्ड यार, टू कोल्ड। सोनी गेट बंद करो जल्दी, ओहो फ्रीजिंग कोल्ड। शंकुला से बाद में ये वाली ठंड जो है ना पहली बार मुझे फील हुई है, बहुत ज़बरदस्त। सी द ब्यूटी यार, कितना सुंदर माउंटेन। और चलो ये तो ये है, चलो ठीक है मैं एक और दिखाता हूँ इसके आगे की तरफ, आप वो देख लो उस तरफ, वो कुछ अलग ही दिखा रहा है भाई, ज़बरदस्त यार यहाँ से दिखाई दे रहे हैं चीज़ें, बहुत सुंदर। फिलहाल अपना रास्ता अब लेह की तरफ नीचे उतरना शुरू हो गए, यहाँ से करीबन 30-35 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है, वो सारा उतरने का ही है। बस उतरने का है अब, सारा जितना भी रास्ता है सब उतरने का है, क्योंकि हम है 17,000 फीट पे और हमें पहुँचना है 11,000 फीट। वहाँ जाते ही लगेगी गर्मी भयंकर वाली। फाइनली ये है लेह, लेह में एंटर करने वाले हैं, 8.2 किलोमीटर रह गया है बस, अब नीचे ही उतर रहे हैं, धड़ाधड़ बैक टू बैक। वो कैसा फील होता है इतना ट्रैवल कर करके, आप बताओ, आदत सी हो गई है ना, मुझे भी साथ में रहने की आपके आदत सी हो गई है। 11 साल लग गए, 13 साल तुम्हें नहीं ऐसे ट्रैवल करने में, अच्छा आदत तो मुझे जल्दी हो गई थी। फाइनली लेह में एंटर कर चुके हैं, मार्केट आ गई है, लेह पुलिस की गाड़ी क्रेटा आगे आगे हमारे चल रहे हैं, ये लीजिए। ओह वाओ फाइनली लेह गेट पहुंच ही गए, तीसरी बार लेह लद्दाख, ऐसा लग रहा है लेह लद्दाख हमारा होम टाउन है, हर साल जाना जरूरी है, मिल के आना जरूरी है उनका हालचाल पूछने के लिए। और यहीं पे ये बस स्टैंड आकर रुक गई बस भी, और बाकी ले गेट से अंदर की साइड जाएंगे।